Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today's topic is modus operandi of homeopathic cure. Modus operandi homeopathic cure की क्या होती है इस टर्म के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. But before moving on, do not forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon. मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर को समझने से पहले हम समझते हैं कि मोडस ऑपरेंडी जो टर्म है उसका क्या मतलब है. कुछ लोगों के लिए ये टर्म पहली बार आप सुन रहे होंगे तो इसको ध्यान से समझिएगा. अ मोडस ऑपरेंडी इज समवन्स हैबिट ऑफ वर्किंग पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बट ऑल्सो मोर जनरली. तो इसका क्या मतलब है, जो मोडस ऑपरेंडी है वो किसी के काम करने का तरीका है, किसी की हैबिट है वर्क करने की. इधर वो उसका डे टू डे वर्क हो, कोई बिजनेस अफेयर हो या फिर कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो. आगे क्या लिखा है, इट इज अ लैटिन फ्रेज अप्रोक्सीमेटली ट्रांसलेटेड एज मोड ऑफ ऑपरेटिंग. तो ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेटिंग, किसी भी चीज के काम करने का तरीका. तो मोडस ऑपरेंडी का एक बार जब आपको मतलब समझ में आ गया तो आप मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर जो कि आज के वीडियो का टॉपिक है उसको समझ गए होंगे कि मोड ऑफ ऑपरेटिंग ऑफ होम्योपैथिक क्योर मतलब जो होम्योपैथिक क्योर होता है वो किस तरह ऑपरेट होता है उसे हम आज की वीडियो में समझेंगे. फ्रेंड्स, आज के वीडियो का जो टॉपिक है इसे हम एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझेंगे, वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर को समझने के लिए या फिर एक होम्योपैथिक क्योर किस तरह ऑपरेट करता है इसे समझने के लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, एक होम्योपैथिकली सूटेड रेमेडी या फिर एक सिमिलिया को एक सिक पर्सन में एडमिनिस्टर करना पड़ेगा. तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या लिखा है, अ मेडिसिन इज अप्लाइड होम्योपैथिकली टू अ सिक पर्सन. तो सबसे पहले एक सिक इंडिविजुअल में रेमेडी को होम्योपैथिकली सिलेक्टेड रेमेडी को अप्लाई किया जाता है. नेक्स्ट क्या होता है, वो रेमेडी क्या करेगी, अफेक्ट द मॉर्बिडली डीरेंज्ड वाइटल फोर्स ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू द मीडियम ऑफ सेंशियंट फैकल्टी ऑफ नर्व्स. जो होम्योपैथिकली सूटेड रेमेडी जो सिमिलिया एडमिनिस्टर की गई है सिक पर्सन में वो थ्रू द सेंशियंट फैकल्टी ऑफ नर्व्स मॉर्बिडली डीरेंज्ड वाइटल फोर्स को इफेक्ट करेगी. ठीक, नेक्स्ट क्या है, अ स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिनल डिजीज इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन. फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है उसमें कैपेसिटी होती है सेम टाइप ऑफ डिजीज को प्रोड्यूस करने की. इसीलिए हम मटीरिया मेडिका में कोई भी मेडिसिन अगर पढ़ते हैं तो वो जिस सिम्टम को ट्रीट कर सकती है वो सिम्टम उस मेडिसिन में खुद प्रेजेंट रहते हैं. दैट मीन्स वो उस सिम्टम को खुद प्रोड्यूस भी कर सकती है. दैट इज व्हाट इज रिटन हियर कि अ स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिनल डिजीज इज प्रोड्यूस बाय प्राइमरी एक्शन ऑफ द मेडिसिन. वो मेडिसिन सेंशियंट नर्व्स के थ्रू वाइटल फोर्स तक पहुंचेगी और एक स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज. मेडिसिनल डिजीज क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उस मेडिसिन की वजह से वो डिजीज प्रोड्यूस होगी. तो ये एक स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज को प्रोड्यूस करेगी. फ्रेंड्स, अगर आपने एफोरिस्म नंबर 26 पढ़ा हो तो आपको है अगर कि स्ट्रॉन्गर डिजीज ही क्यों होगी मेडिसिनल डिजीज, ये हमें पता चल जाएगा. तो देखिए फ्रेंड्स, एफोरिस्म नंबर 26 में लिखा है, अ वीकर डायनेमिक इफेक्शन is permanently extinguished in living organism by a stronger one if the latter, whilst differing in kind, is very similar to the former in its manifestations. तो ये जो stronger disease है, जो medicinal disease है, वो stronger होगी. क्यों होगी? क्योंकि medicine को हर circumstance में act कर रही है medicine, ठीक है, और उसका जो dose है, उसका control भी physician के हाथ में है. ठीक है, तो इसलिए जो मेडिसिन है एडमिनिस्टर की जा रही है उसका डोज फिजिशियन के हाथ में है,
उसको कब रिपीट करना है, किस सर्कमस्टेंस में देना है और कब कब वो एक्ट करे, ये सब एक फिजिशियन डिसाइड कर सकता है। इसलिए वो ऐसे ही प्रिस्क्राइब करता है कि जो मेडिसिन है वो एक स्ट्रॉन्गर मेडिसिनल डिजीज प्रोड्यूस करेगी। ये उसका प्राइमरी एक्शन हो गया। फिर क्या होगा, दिस स्ट्रॉन्गर सिमिलर मेडिसिनल डिजीज परमानेंटली एस्टिंग्विशेस द वीकर सिमिलर नेचुरल डिजीज। अब जो हमने मेडिसिन दी थी वो किसके बेसिस पे दी थी, सिमिलिया के बेसिस पे। दैट मीन्स वो मेडिसिन कैपेबल थी उस सिम्टम को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब जो मेडिसिन का सिम्टम है वो काफी हाई इंटेंसिटी का है एज कम्पेयर टू द डिजीज जो उस पेशेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो वो डिजीज इस डिजीज मेडिसिनल डिजीज के कंपैरिजन में एक वीकर डिजीज है। ठीक है, तो वीकर डिजीज क्या होगी, ये परमानेंटली एस्टिंग्विश हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इसे हम एफोरिज्म नंबर 26 की हेल्प से समझते हैं कि एक वीकर डायनेमिक अफेक्शन जो होता है वो परमानेंटली एस्टिंग्विश हो जाएगा अगर एक स्ट्रॉन्गर मेडिसिन को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन, क्या हुआ, अब जो नॉर्मल जो डिजीज थी नेचुरल डिजीज वो तो वीकर थी मेडिसिनल डिजीज से, तो वो इरेडिकेट हो गई। दैट मीन्स जो पेशेंट आपके पास सिम्टम लेके आया था, जो उसकी डिजीज थी वो खत्म हो गई। अब उसकी बॉडी में जो डिजीज बची वो कौन सी बची, तो वो डिजीज जो बची वो मेडिसिनल डिजीज बची। तो क्या लिखा है, द वाइटल फोर्स इज नाउ मियरली मेडिसिनली डिजीज्ड। तो अब जो डिजीज्ड है वो कौन है, वाइटल फोर्स से, और कौन सी डिजीज से, सिर्फ मेडिसिनल डिजीज से। आगे क्या होगा, दिस मेडिसिनल डिजीज इज रिमूव्ड इन टू टाइप्स। अब हमने नेचुरल डिजीज से तो पेशेंट को हटा दिया, मतलब वो डिजीज तो हटा दी पेशेंट से, लेकिन जो मेडिसिनल डिजीज है उसे हम दो तरीकों से हटा सकते हैं। पहला लिखा हुआ है, मेडिसिनल डिजीज ग्रेजुअली बिकम्स वीकर एंड वीकर। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों को ये बात पता है कि जो होम्योपैथी में डोज होता है वो माइन्यूट, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में दिया जाता है और वो बहुत कम ड्यूरेशन का या फिक्स ड्यूरेशन का होता है। तो वो ऑलरेडी इसीलिए किया जाता है ताकि जो मेडिसिन की वजह से डिजीज प्रोड्यूस हो रही है वो कुछ दिन तक रहे और धीरे धीरे जब डोज खत्म होगा, माइन्यूट वो डोज एक बार अगर दिया गया है और वो डोज धीरे धीरे डाइल्यूट होकर बॉडी से रिमूव हो जाएगा और जो डिजीज वो कॉज किया है वो भी रिमूव कर देगा। तो ये पहला तरीका हुआ कि मेडिसिनल डिजीज कैसे रिमूव हो सकती है, कि मेडिसिनल डिजीज धीरे धीरे वीक हो जाएगी क्योंकि जो डोज होता है वो बहुत माइन्यूट होता है और शॉर्टर और कुछ फिक्स ड्यूरेशन के लिए ही दिया जाता है। सेकेंड वन इज सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स क्या होगी, सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन करेगी जिसकी वजह से जो ये मेडिसिनल डिजीज है वो रिमूव हो जाएगी। अब सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन क्या होता है, तो सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन होता है अगर एक ऑपोजिट, एग्जैक्ट ऑपोजिट कंडीशन प्राइमरी एक्शन की नहीं बन पाती, तो जो वाइटल एनर्जी होती है वो अपनी एनर्जी इंक्रीज करती है, वाइटल फोर्स अपनी एनर्जी इंक्रीज करती है मेडिसिनल डिजीज को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो जो वाइटल फोर्स अपनी एनर्जी इंक्रीज करती है मेडिसिनल डिजीज को खत्म करने के लिए, दैट इज नोन एज द सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। तो मेडिसिनल डिजीज इन दो तरीकों से खत्म हो सकती है, या तो जो डोज है उसके माइन्यूटनेस की वजह से वो धीरे धीरे वीकर हो जाएगा उसका इफेक्ट और वो खत्म हो जाएगी, या फिर वाइटल फोर्स के सेकेंडरी क्यूरेटिव एक्शन की वजह से। अब क्या हुआ, हमने पहले वो डिजीज इरेडिकेट कर दी थी जो नेचुरल डिजीज थी पेशेंट की, और अब बचे हुए इन दो तरीकों में से किसी एक को भी फॉलो करते हुए जो मेडिसिनल डिजीज है वो भी रिमूव हो गई। अब क्या हुआ, नाउ द वाइटल फोर्स इज फ्री फ्रॉम बोथ डिजीज फोर्स एंड मेडिसिनल फोर्स। अब जो वाइटल फोर्स थी हमारे बॉडी की, जो ऑटोमेटिक ऑटोक्रेटिक स्पिरिचुअल फोर्स है जो हमारे बॉडी की, जो उसके सारे एक्शन को गवर्न करती है, वो बिल्कुल डिजीज फ्री है।
ना उसमें नेचुरल डिजीज है ना ही उसमें मेडिसिनल डिजीज है. बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेस द वाइटल फोर्स इज इनेबल्ड अगेन टू कैरी ऑन हेल्दी द वाइटल ऑपरेशंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दस परफेक्ट हेल्थ इज रिस्टोर्ड. तो अब हमारी वाइटल फोर्स क्या करेगी? वाइटल फोर्स जो सारी बॉडी की एक्टिविटीज है, जो सारी वाइटल ऑपरेशंस है ऑर्गेनिज्म के, उन सारों को गवर्न करेगी, उन सारे ऑपरेशंस को गवर्न करेगी, क्योंकि वो ही हमारी बॉडी के सारे ऑपरेशन को ऑपरेट करवाती है, उसे गवर्न करती है. दस परफेक्ट हेल्थ इज रिस्टोर्ड एंड दैट इज eventually the restoration of the perfect health. और friends, हम सबको पता है कि homeopathic cure जो होता है वो हमेशा health को restore करता है. That is what we have studied in the mission of physicians aphorism. That is aphorism number 1. कि जो health है उसको restore करना एक true physician का कर्तव्य है, वही उसे करना चाहिए. So friends, this was all about today's lecture. Today's topic was modus operandi. That means how does a homeopathic cure operates. I hope I have made everyone understand. अगर आपको कोई भी doubt हो तो आप उनसे comment section में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को like करना और मेरे YouTube channel को subscribe करना और bell icon दबाना मत भूलिएगा. Thank you.